डर जाते हैं तुम लोग? मैंने कहा चलो साथ में। हम कभी नहीं डरते। तो अब हम मम्मा को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं क्योंकि मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, कभी ज्यादा ठंडा कभी ज्यादा गर्म। हेलो, नमस्ते, राम राम, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल और खम्मा घड़ी। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। मैं आपका दोस्त गगन, जिसे दिखाता हूँ हमारे घर पे आज क्या चल रहा है सुबह सुबह। ये देखिए, हम लोग सुबह सुबह बना रहे हैं शॉर्ट। हालांकि इनके एग्जाम है, लेकिन ये अपने जो और काम है उसको भी बड़ी मेहनत से और शिद्दत से कर रहे हैं। और हमारा जो मुर्गा है वो ऐसी फील कराता है हमें कि बिल्कुल हम बहुत ऐसे गांव में हैं जहां कोई सुविधा नहीं है, बस मुर्गे बोलते हैं, इस टाइप का फील कराता है सुबह सुबह बोलने के बाद। और ये अकेले खोल देते हैं सुबह हम इसको, क्योंकि बाकी जो है वो अंदर हैं, वो क्या करते हैं वो इसको मारता है ना बड़ा वाला, इसलिए अकेले खोल रखा है। हाँ काना, क्या हाल है? दादू माँ को मोबाइल ला वहाँ, लेकिन वहाँ व्हाट्सएप में ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, व्हाट्सएप में वहाँ सिग्नल कम आ रहे हैं। पापा जी भी बता रहे थे कि दुबई में उनके व्हाट्सएप में सिग्नल कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, व्हाट्सएप चलता नहीं वहाँ, क्या होता है, वीपीएन चेंज कर देते तो चल जाता शायद मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं। ये देखिए गाइस, आज फिर इसका यही हाल है और इतने ऊपर जाके बैठा है आज भी छत के कोने में। सारे मुर्गे मुर्गियाँ नीचे हैं और इसको छत में जाने की हो रही है इतने ऊपर। चलो उतर 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 उतर, कैसे उतरेगा? ओ और भयंकर बड़ा उतरा यार, तो यहाँ से अब क्या करेगा? ये देखो, और उसके ऊपर गया है, नीचे नहीं उतरा फिर भी। वाह बेटे, मौज कर दी। तो गाइस, कल भी मैंने आपको मौसम दिखाया था पहाड़ों का और आज भी दिखाता हूँ, क्योंकि आज ना सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है, तो मौसम देखो क्या गजब हो रहा है। ये देखो गाइस कैसा मौसम हो रहा है, बादल ना बिल्कुल पहाड़ों के अंदर चले गए ऐसा लग रहा है मुझे देखने में। ये अगर आज संडे होता ना तो मैं जरूर यहाँ चला जाता आज पहाड़ों में घूमने। ये देखो क्या मस्त सीन लगता है हमारे यहाँ से। और अब हम पहुंच गए हैं घर। तो गाइस यहां पे देखो, काना ने अपना बच्चा पकड़ रखा है, बच्चा दे रहा है। हाँ। काना इसको अपना बच्चा कहता है ना, वहाँ पे खड़ा था, ठीक है, मैं उसके पास जाऊँ, वहाँ से खड़ा है, मेरे को देख रहा है, आजा कह रहा है, मैं पूरा पास चला गया हूँ, तभी तो पकड़ा मैंने, मैं इतना पास। हाँ अच्छा, देखो यहाँ पे, अच्छा इतना पास, उड़ भी नहीं रहा, ऐसे देख रहे पागलों की तरह। अच्छा नहीं पागलों। तो गाइज मैं वो ऑफिस से घर आ गया हूँ और घर आके देखा तो यहाँ नीलम की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो मुझे फोन आ गया था खुशी का, तो मैं उसकी दवाई भी लेके आ गया हूँ। चलो दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे शिल्पी बैठी है और यहाँ पे नीलम लेटी है। देखो ये, इसको बुखार आ गया बहुत ज्यादा, हमारे इधर को वायरल चल रहा है आजकल, तो इसको बुखार आ गया है बहुत ज्यादा। है क्या अभी भी? ये है, अभी तो हल्का लग रहा है, तो दवाई खिलाता हूँ फटाफट इसको। ब्रेड लाया हूँ तुम्हारे, ब्रेड खा लोगे? चाय चाय लाऊं? दही मना कर रखी है, दूध लाऊं? दूध चाय ठीक है। तो पापा अब यहाँ पे बना रहे हैं काली चाय मम्मा के लिए, क्योंकि मम्मा को बुखार हो रहा है। मुझे भी नहीं पता पत्ती की डालनी है, ज्यादा ना पड़ जाए पत्ती, कड़वी लगेगी फिर उसके बाद। ब्रेड भी ले आऊं, ब्रेड गर्म कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, चाय ब्रेड तैयार हो गए। नीलम उठ जा, चाय ब्रेड ले आ। एक ही दिन में नीलम की हालत देखो कैसी हो गई, चेहरा बिल्कुल उतर गया तेरा। तो अब हम मम्मा को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं क्योंकि मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, कभी ज्यादा ठंडा कभी ज्यादा गर्म। और गाइस नीलम का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा गर्म, पता नहीं क्यों होता, इतना ठंडा लगा कि हमने 5-5 कंबल उड़वा दिए और फिर उसका जो वो जो गर्म वाला पानी का बोतल था वो गर्म लगा के करा। और अभी फिर हॉस्पिटल आए, तो हॉस्पिटल में अभी फिलहाल ठंडा कर रहे हैं, ताकि 5 कंबल थे वही, तो तब भी कांप रही थी वही तो, और फिर एकदम से भयंकर गर्म हुआ जब वो नॉर्मल हुआ। तो देखो अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं माथे को, और फिर डॉक्टर जो है वो देख रहे हैं, अब थोड़ा सा नॉर्मल है ये, और इतना ठंडा लगाना पड़ा ना, भयंकर बर्फ वाला, तो मतलब इसमें ना जो बुखार आ रहा है इसमें भयंकर ठंडा लगाना है यार, बर्फ वाला। अब नॉर्मल है थोड़ा सा, हालत खराब कर दी थी तूने, इतना भयंकर ठंडा कांप गई तू, बाप रे थक, हम तो डर गए यार एकदम से। हैं अब ठंडा लग रहा है वैसा तो लग रहा है, मतलब कांपने वाला। अच्छा, और इतना ज़्यादा गर्म हो गया ना इसको बाद में, अभी ये जितनी बर्फ़ थी पूरी भयंकर वाली पूरा पिघल गया है, बहुत ठंडा लगाना पड़ता है इसका। हम लोग ना पट्टी लगाते हैं खाली, हाँ पैरों में लगा रखा है, ये पिघल गया पूरा, और ये सबसे अच्छा तरीका कह रहे हैं बुखार उतारने का, और हमको पता नहीं था, हम तो खाली पानी की पट्टी लगा रहे थे। हाँ वही तो, ज़्यादा ठंडा लगाना है, हाँ ठंडा बहुत हो रहा है, बर्फ़ है पूरी पिघल गई है काफ़ी। तो गाइस अब थोड़ा सा नीलम को आराम है, और बच्चे हमारे साथ आए हैं, अगर पापा जी मम्मी भी घर पे होते तो ये घर ही रहते, लेकिन वो नहीं है घर पे, तो इसलिए हम साथ ही ले आए इनको, अकेले कहाँ रखते घर पे, है ना, डरते हैं लोग। नहीं हम टीवी देखते,
डर जाते यार तुम लोग, मैंने कहा चलो साथ में। हम कभी नहीं डरते, हम कभी नहीं डरते। तो गाइज हम घर पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल से। अब थोड़ा सा ठीक है नहीं ना, मैंने इसके लिए चार्ट बनवा दिया था वहाँ ताकि ये खा ले, क्योंकि इसका बीपी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो डॉक्टर जो है वहाँ वो कहते हैं कि कुछ चटपटा खिलाओ, तो चार्ट बना था कि खा ही नहीं रही है अभी भी, इसको ठंडा लग रहा है। और ये देखो कितने सारे कंबल यहाँ पे गिरे हुए हैं, क्योंकि सारे कंबल हमने इसको ढकाए थे जब ठंडा लग रहा था। कानू सो गया देखो आके, और अभी तक मैंने खाना नहीं खा रखा है। तो गाइज मैंने तो अभी कुछ भी नहीं खा रखा है, अभी मैंने भी अपने लिए बनाना है खाना, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि सिर्फ मैगी बनाता हूँ और मैगी खा लेता हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं बन सकता अभी। और अभी किचन में बर्तन भी साफ करने हैं, बहुत काम है, सब करता हूँ। फिलहाल नीलम सो जाएगी, फिलहाल नीलम को दवाई खिलाते हैं और फिर इसको सुला देते हैं। तो गाइज रात के 12 से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अब जाके मेरे से किचन के काम निपटे। अभी भी थोड़ा रह गया है, इधर बर्तन धो रहा था तो इधर जो ये दूध रखा था ये उबल के गिर गया, इधर मैगी रखी थी वो जलने लगी थी, तो थोड़ी मैगी खुशी ने मेरे साथ खाई। और मैंने ज़्यादा मैगी नहीं खाई है, ज़्यादा खाना नहीं खाया रात को अभी। और नीलम अब ठीक है, आराम कर रही है, बच्चे भी सो गए। तो पापा जी मुझे दे गए थे प्रोटीन का डब्बा, तो इसमें से एक चम्मच प्रोटीन निकाल के पानी में घोल के मैं इसको पी लूंगा, थोड़ा जो एनर्जी है वो कम नहीं होगी शरीर की। तो बस लास्ट में ये कहूंगा कि आजकल वायरल फीवर जो है वो बहुत ज्यादा तेज से हो रहा है, तो उसमें आप लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। आई होप दोस्तों ब्लॉग को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो पे नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। महिलाएं कैसे इतना काम करती हैं ये सोचते सोचते दिमाग घूम रहा है मेरा। चलिए बाय, फिर मिलते हैं।